हेलो एवरीवन, साक्षी हियर। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। आज के लेक्चर में हम जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स का पार्ट वन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो सब स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला करंट अफेयर है और इस पे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, वो है रिगार्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए डिक्लेयर कौन करता है, यूनेस्को। सेकंड, इंडिया में जयपुर सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो याद रखना, ओके, कि किसको अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है इंडिया में, जयपुर को। इसके साथ आपने एक और साइट का नाम याद रखना है, वो बेसिकली एक मेसोपोटामियन स्टेट थी, ओके, और वो अब प्रेजेंटली प्रेजेंट है इराक में और उसका नाम है बेबीलोन, ओके। ये बेसिकली एक स्टेट थी एंशिएंट मेसोपोटामिया में। ओके, और इसको भी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, सो याद रखना। नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, सेकंड। अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, उसका नाम है स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2019, ओके, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो ये रिपोर्ट है, ओके, वो किसने प्रिपेयर की है, बेसिकली टिस ने। टिस की फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ओके। इस लिस्ट को प्रिपेयर किया है, या रिपोर्ट को, सॉरी, प्रिपेयर किया है किसने, टिस ने, और इसको कमीशन किया है बाय यूनेस्को, ओके। इसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे, याद रखना। नेक्स्ट, थर्ड करंट अफेयर है रिगार्डिंग ऑपरेशन सुदर्शन। सुदर्शन चक्र के बारे में आपने सुना होगा, ऑपरेशन सुदर्शन, ओके। बेसिकली जो ये ऑपरेशन है इसको BSF, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, के द्वारा चलाया जा रहा है। कहाँ पे? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ओके। बेसिकली बॉर्डर को फोर्टिफाई करने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन को BSF के द्वारा चलाया गया, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ करंट अफेयर है रिगार्डिंग वर्किंग ऑन अ वार्मर प्लैनेट, द इम्पैक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डिसेंट वर्क। बेसिकली जो ये रिपोर्ट है इसको रिलीज किया है ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ओके। और इसमें क्या बताया गया है कि ऐसी कंट्री जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है ग्लोबल वार्मिंग से, वो कौन सी कंट्री है? इंडिया, ओके। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वर्किंग ऑन अ वार्मर प्लैनेट जो रिपोर्ट है वो किसने रिलीज किया, ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ करंट अफेयर है इंडिया और ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, को साइन किया है रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो
सर्विसेज बाय सी, कौन सी कंट्री है? नाम याद रखना, मालदीव्स। मालदीव्स और इंडिया ने एमओयू साइन किया है किसके रिगार्डिंग? पैसेंजर एंड कार्गो सर्विसेज बाय सी, कि सी के राही पैसेंजर और कार्गो की सर्विसेज को और ज़्यादा एस्टैब्लिश करने के लिए। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ करंट अफेयर है, इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल कहाँ पे बनने जा रहा है? वो बनने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ओके, बेसिकली दो स्टेशंस हैं उनके बीच में बनेगा, उनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। एक है चिल्लोपाली एंड कौन, दूसरा स्टेशन है रापुरु रेलवे स्टेशन। ओके, ये दो स्टेशंस हैं, कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में। ओके, और जो ये रेलवे टर्नल है इसको कमीशन किया है साउथ सेंट्रल रेलवे ने। ओके, कौन से रेलवे ने किया? साउथ सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट सेवन्थ करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। सेवन्थ करंट अफेयर है UIDAI, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज रिसेंटली इन्होंने अपना फर्स्ट आधार सेवा केंद्र को ऑपरेशनलाइज किया, कहाँ पे? दिल्ली और विजयवाड़ा। ओके, नेक्स्ट एट्थ करंट अफेयर है, यूएस सीनेट ने ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके लिए एक लॉ पास किया है कि अब उस कंट्री को, जो यूएस के नाटो एलाइज हैं, नाटो मींस क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एलाई कंट्रीज। ओके, कि उनके उसके जैसा स्टेटस मिलेगा। बेसिकली क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ने कई कंट्रीज के साथ नाटो एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है। ओके, वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? जैसे साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इज़राइल। ओके, कि जैसा स्टेटस इनको दिया जाता है वैसा ही उस कंट्री को भी मिलेगा। कौन सी कंट्री है? इंडिया। ओके, करंट अफेयर डिस्कस करते हैं नाइन्थ, वो है रिगार्डिंग फीफा विमेन वर्ल्ड कप। ओके, बेसिकली आपको ये याद रखना है कि फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो कौन सी कंट्री की टीम ने जीता है? यूएसए ने। किसको हराया है? नीदरलैंड्स। ओके, ये विनर है, ये हार गए थे। ओके, नेक्स्ट टेंथ करंट अफेयर है रिगार्डिंग कोपा अमेरिका फुटबॉल ट्रॉफी। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो ये ट्रॉफी है ये किन्होंने जीती है? ब्राज़ील ने। और किसको हराया है? पेरू को। ओके, ये विनर कंट्री है ब्राज़ील, ठीक है, किसको हराया है? पेरू को। नेक्स्ट इलेवेंथ करंट अफेयर है रिगार्डिंग ऑपरेशन मिलाप। बेसिकली ऑपरेशन मिलाप जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया था और इसके अंडर अभी तक 333 चिल्ड्रन को बचाया गया है इन 7 मंथ्स। ओके, वो सब बच्चे जो जिनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, ठीक है, सो उन बच्चों को बचाया गया, जो बेसिकली किडनैप हो जाते हैं या जिनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उन सबको बचाया गया ऑपरेशन मिलाप के तहत। ओके, नेक्स्ट ट्वेल्थ करंट अफेयर है रिगार्डिंग स्ट्राइड स्कीम। बेसिकली अगर इसमें आपसे सबसे पहले तो स्ट्राइड की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। स्ट्राइड का मतलब होता है स्कीम
फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनमी। ओके, ये स्ट्राइड के फुल फॉर्म है। ये बेसिकली जो स्कीम है ये किसने चलाई है? यूजीसी ने। यूजीसी मींस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। ओके, और इसका पर्पस क्या है? ताकि जितने भी इंडिया में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें रिसर्च का माहौल बनाया जाए और इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। ओके, बेसिकली ये रिसर्च और इनोवेशन के लिए जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट 13th करंट अफेयर है रिगार्डिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एशिया सिल्वर वेल्टर वेट चैम्पियन। ओके, ये जो टाइटल है वो बेसिकली किसने जीता है? उनका नाम पता होना चाहिए। उनका नाम है वैभव यादव ने। ओके, और सेकंड, इसमें आपको सेकंड फैक्ट ये पता होना चाहिए कि जो ये चैम्पियनशिप है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। इसको ऑर्गेनाइज किया गया थाईलैंड के पताया में। ओके, नेक्स्ट 14th करंट अफेयर है रिगार्डिंग एक हाई पावर कमेटी को गठित किया गया था। किसके लिए? ताकि एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई जा सके। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक कमेटी थी, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाई गई है, इसको हेड कौन कर रहे थे? उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। ओके, सो नेक्स्ट करंट अफेयर है 15th रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे बिकॉज ये आपको आ सकता है एग्ज़ाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क, सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए एक स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया गया। अब हम थोड़े से फैक्ट्स पढ़ते हैं रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क बिकॉज ये एग्ज़ाम में आता रहता है। ओके, अब सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे? ये याद होना चाहिए, असम में है ये। सेकंड फैक्ट है, इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा चुका है। उसके अलावा आपने ये याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में वर्ल्ड के 68% वन हॉर्न्ड राइनोज मिलते हैं। ओके, जिनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स डिप्लॉय की गई है। और आपको जो वन हॉर्न्ड राइनो है इनके बारे में एक और बात याद रखनी है कि जो वन हॉर्न्ड राइनो है इनको IUCN रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? वल्नरेबल, वल्नरेबल। ओके, सो नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं 16th, वो है रिगार्डिंग, देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलके एक MOU साइन किया है। किसके रिगार्डिंग? आयुष सेक्टर को डिजिटलाइज करने के रिगार्डिंग। ओके, ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ
आयुष सेक्टर। ओके बस दोनों मिनिस्ट्रीज के नाम पता होने चाहिए कि किन्होंने एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट 17 करंट अफेयर है, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया है अंडर एप्सा एक्ट। एप्सा का मतलब क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसके अंडर किसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है? याद रखना नागालैंड को। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके नेक्स्ट 18th करंट अफेयर है, नेक्स्ट 18th करंट अफेयर है रिगार्डिंग गरुड 6 एक्सरसाइज। बेसिकली जो ये एक्सरसाइज है, ये सबसे पहले इसकी नेचर पता होनी चाहिए कि कैसी एक्सरसाइज है। ये एरियल एक्सरसाइज है। ओके सेकंड, इसको कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है? उनका नाम है इंडिया और फ्रांस। और ये हुई कहाँ पे? फ्रांस में। ओके बेसिकली ये एरियल एक्सरसाइज है। सेकंड आपको क्या याद रखना है, इसको फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया। थर्ड, कौन सी दो एयरफोर्स के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया? इंडिया की और फ्रांस की। ओके नेक्स्ट 19th करंट अफेयर है रिगार्डिंग, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने कि कमर्शियल वेलिंग को 31 इयर्स के बाद स्टार्ट कर दिया है? कमर्शियल वेलिंग कौन सी कंट्री है? उसका नाम है जापान। ये डिसीजन बेसिकली जापान ने इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से अपने आप को बाहर करने के बाद लिया। ओके सो आज का लास्ट करंट अफेयर है 20th रिगार्डिंग दस्तक कैंपेन, ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने दस्तक कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया है? उनका नाम है यूपी गवर्नमेंट। ओके और ये क्यों किया गया है? ताकि AES और JEE को इरेडिकेट किया जा सके। AES का मतलब क्या होता है? एक्यूट एक्लिप्टिस सिंड्रोम, और JEE का मतलब है जैपनीज एनसीफेलाइटिस। ओके सो आज हमने 20 करंट अफेयर डिस्कस किए, बाकी के बचे हुए करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।